समय यात्रा विज्ञान का एक ऐसा रोमांचक शब्द है जिसे सुनकर ही दिल बाग बाग होने लगता है, मन में बहुत सारे सपने जन्म लेने लगते हैं। और समय यात्रा को और ज्यादा रोमांचक तो फिल्म इंडस्ट्री ने बना ही दिया है, जहां लेखक की कल्पनाओं ने उड़ान भरते हुए न जाने कैसे कैसे सपने दर्शकों को दिखाए हैं। यही कारण है कि समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल का नाम सुनते ही कोई दुखी व्यक्ति फिर से अपने बचपन में लौट जाने के सपने देखता है। किसी का अभी अभी ब्रेकअप हुआ हो तो वो समय में पीछे जाकर अपनी गलती को सुधारना चाहता है और अपनी गर्लफ्रेंड से फिर से मिलना चाहता है। जिसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए हो वो समय में पीछे जाकर अपने माता पिता से मिलना चाहता है। तो कोई 1983 का वर्ल्ड कप देखना चाहता है और समझना चाहता है कि कैसे भारत पहली बार क्रिकेट का विश्व चैंपियन बना। पता नहीं कितने सारे सपने आंखों में दिखाई देने लगते हैं सिर्फ एक ही शब्द टाइम ट्रेवल से। और हो भी क्यों ना, ये है ही ऐसा। ये किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह ही लगता है जिसके दृश्य और कहानी लेखक के हाथ में होती है। लेकिन क्या ये वाकई में सच है? क्या समय में यात्रा करना संभव है? क्या हम समय यात्रा करके अपने भूत भविष्य को बदल सकते हैं? इस सदी के महान भौतिकी वैज्ञानिक स्टीवन हॉकिंग का मानना है कि हाँ, हम समय यात्रा कर सकते हैं। उनका मानना है कि ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि किसी बस में ट्रैवल करना। इस भौतिक संसार में दिखाई देने वाली हर चीज के तीन आयाम होते हैं। यहाँ दिखाई देने वाली हर चीज, यहाँ तक कि हमारे भी तीन आयाम होते हैं, और उन्हीं आयामों के कारण हम इसे 3D वर्ल्ड कहते हैं। वे तीन आयाम हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। दिखाई देने वाली हर चीज की तीन लंबाई होती है। हर चीज की ये तीन लंबाई हमें दिखाई देती है, लेकिन इसके अलावा एक लंबाई और होती है जो हमें दिखाई देती है लेकिन हम उसे कम महत्व देते हैं। किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अलावा समय नाम की एक लंबाई और होती है। यही वो लंबाई है जो हमारी समय यात्रा की कल्पना को सच में बदल सकती है। हर किसी चीज की एक उम्र होती है, जैसे मनुष्य की औसत आयु 80 साल, किसी कुत्ते की आयु 14 से 15 साल, तो वहीं किसी कछुए की औसत उम्र 200 साल तक होती है। ये उस चीज की समय लंबाई कहलाती है। इसके अलावा हमारी पृथ्वी और इस ब्रह्मांड में ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी समय लंबाई काफी बड़ी होती है, जैसे पृथ्वी पर नजर आने वाले पहाड़ों की समय लंबाई हजारों सालों तक होती है, तो वहीं हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में स्थित सूरज की समय लंबाई अरबों सालों तक होती है। अब हम समय लंबाई यानी किसी भी चीज के चौथे आयाम के बारे में समझ तो गए हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि ये चौथा आयाम यानी कि समय की लंबाई पृथ्वी पर या हमारे दैनिक जीवन में भी होती है या नहीं। तो इसे आप एक साधारण से उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं पैदल जा रहे हैं। जिस रास्ते पर आप पैदल जा रहे हैं उसका रास्ता सीधा है, इससे आपको एक आयाम यानी लंबाई मिलती है। अब आपके रास्ते में एक घुमाव आता है और आप उस घुमाव में घूम जाते हैं। अब आपकी यात्रा में एक आयाम और जुड़ गया है जिसे चौड़ाई कहते हैं। तो लगातार चलते चलते आपका रास्ता अब पहाड़ों से होकर जाता है। आप जैसे ही पहाड़ की चढ़ाई करते हैं, ठीक उसी समय आपकी यात्रा में एक आयाम और जुड़ जाता है। आपकी यात्रा में अब ऊंचाई भी जुड़ जाती है। तो अब हमारी यात्रा इन्हीं तीन आयामों में ही पूरी हो जाती है। अब समस्या ये है कि हम समय यात्रा की लंबाई में यात्रा कैसे करें? कैसे हम पृथ्वी पर ही उस चौथे आयाम या फिर चौथी लंबाई के पार जाएं? तो इसके साथ एक सवाल और उठता है कि ये चौथा आयाम किस तरह से हमारी समय यात्रा में सहायता कर सकता है? क्या ये समय लंबाई हमारे लिए भविष्य के दरवाजे खोल सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। इस समय लंबाई में ही छिपा है हमारे भविष्य में जाने का रास्ता। आपने टाइम ट्रेवल से जुड़ी बहुत सारी मूवीज देखी होंगी और उन्हें देखकर सोचा भी होगा कि ये तो काफी आसान है। आपने जब मूवी देखी होगी तब एक बात पर तो जरूर से गौर किया होगा कि यहाँ यात्रा करने के लिए एक टाइम ट्रेवल मशीन होती है जिसमें मूवी का नायक समय यात्रा करता है। जब मूवी में दिखाई जाने वाली मशीन को शुरू किया जाता है तब उस मशीन के कारण एक सुरंग सी बन जाती है और उस सुरंग में आपकी फिल्म का नायक बिना ये सोचे कि वो कहाँ जा रहा है उसके अंदर चला जाता है और अगले ही पल वो दूसरी दुनिया में होता है। यानी वो अपने वर्तमान को छोड़कर या तो भूतकाल में चला जाता है या फिर भविष्यकाल में। वाकई आपकी फिल्म का नायक काफी बहादुर है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में ऐसा दरवाजा होता है या नहीं? अगर हाँ तो क्या ऐसा दरवाजा बना पाना संभव है? इसके जवाब में स्टीवन कहते हैं कि हाँ, ऐसा कर पाना सच में संभव है। हॉकिंग की ये बात सुनकर तो अब मुझे लगने लगा है कि बस
अब मैं समय यात्रा कर सकती हूँ। अगर ऐसा सच में हो सकता है तो मैं तो सबसे पहले आइंस्टाइन और न्यूटन से मिलने जाऊंगी। मेरी बात सुनकर लगता है आप भी किसी से मिलने के बारे में अपनी प्लानिंग करने लगे हैं। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है कि ये दरवाजे बनेंगे कैसे? समय यात्रा के विचार को सच मानने वाले वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें ऐसे दरवाजे बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकृति में ऐसे अरबों करोड़ों दरवाजे पहले से ही बने हुए हैं। अब उनकी ये बात सुनकर एक बार के लिए तो मैं भी चौंक गई और सोचने लगी कि फिर वे दरवाजे हैं तो कहाँ, और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? क्यों फिर आज से पहले और अभी तक किसी ने समय यात्रा नहीं की? इसके जवाब में हॉकिंग कहते हैं कि ये सच है कि हमारे आसपास, हमारे चारों ओर ऐसे अरबों करोड़ों दरवाजे हर समय मौजूद रहते हैं। वाकई ये दरवाजे होते हैं, और यदि आपको भी ये दरवाजे देखने हैं तो चलिए मेरे साथ। इस संसार में नजर आने वाली हर एक चीज जो ठोस या समतल दिखाई देती है, वो सच में ठोस या समतल नहीं होती है। यदि हम किसी चीज को बड़ा और बड़ा और बड़ा करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जिसे हम ठोस मान रहे थे वो तो दरारों से भरा हुआ है। इसके बाद जब हम और अंदर की ओर झांकने की कोशिश करते हैं तो हमें अब बड़ी बड़ी खाइयां नजर आने लगती है, और इससे भी आगे बढ़ने पर हमें इसके अणु और परमाणु नजर आते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये संसार परमाणुओं से बना है, और हर वो चीज जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसका अस्तित्व परमाणुओं के कारण ही है। अब परमाणुओं से जुड़ी एक मजेदार और रोचक बात आपको बताती हूँ। हो सकता है कि आप पहले से जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे। जब परमाणु वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना का पता लगाने के लिए प्रयोग किया था, तो उन्होंने अपने प्रयोग के निष्कर्ष पे बताया था कि परमाणु का 99.99999% भाग खाली होता है। हाँ, ये सच में सही है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हर वो चीज जो ठोस होती है वो ठोस नहीं होती, बल्कि उसमें बहुत सारी जगह खाली होती है। उस जगह में बहुत सारी दरारें और खाइयां होती है। अब चलिए हम किसी समतल सी नजर आने वाली चीज की भी जांच पड़ताल कर लेते हैं। आपने जो जीन्स की पैंट पहनी है उसे जरा ध्यान से देखिए, आपको क्या दिखाई देता है? जब आप उसे गौर से देखते हैं तो आपको नजर आता है कि दो धागों को आपस में एक पैटर्न से बुना गया है। अब इसी पैटर्न को किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखने की कोशिश करें। अब आपको क्या दिखाई देता है? जैसे ही आप इसे देखते हैं तो आप देखते हैं कि समतल नजर आने वाली इस जीन्स की पैंट की सतह काफी ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ बहुत से गड्ढे बने हुए हैं। अब आप एक कांच का टुकड़ा लीजिए और उसे भी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिए। आपको तो ये काफी समतल दिखाई देता होगा, लेकिन जैसे ही आप उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो आपके होश उड़ जाते हैं। यहाँ भी बहुत से गड्ढे और दरारे हैं। तो कुल मिलाकर के जब हम किसी पदार्थ के अणु और परमाणु से भी आगे जाकर देखने की कोशिश करते हैं तो हमें वहां पर मिलता है क्वांटम वर्ल्ड। यहाँ पर बहुत सी दरारें हमेशा बनती और बंद होती रहती है। ये कभी भी स्थायी नहीं होती, बल्कि ये लगातार बदलती रहती है। बस तो यही है हमारे भविष्य का रास्ता। इस आधार पर वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसे ही छोटे छोटे गड्ढे और दरारें हमारे आसपास मौजूद हैं, जो समय में मौजूद हैं। इन दरारों और गड्ढों को हम वर्म होल कहते हैं। ये वर्म होल ही हमारे लिए भूत और भविष्य का रास्ता खोलेंगे। ये वर्म होल चौथे आयाम में एक रास्ता बनाते हैं, जिसका एक दरवाजा हमारे सामने यानी कि वर्तमान में होता है, तो वहीं दूसरा रास्ता भूतकाल में या भविष्यकाल में खुलता है। लेकिन अब एक सवाल फिर से खड़ा होता है कि वर्म होल किस तरह से हमें एक काल से दूसरे काल की यात्रा करवाता है? इसे समझने के लिए आपको मेरे साथ शहर की सड़क पर चलना होगा, जहां सड़क के बीच में एक डिवाइडर बना हुआ है, और उस डिवाइडर के कारण सड़क दो भागों में बटी हुई है। आप सड़क के दाएं तरफ से अपनी कार में यात्रा कर रहे हैं और आपकी मंजिल आपकी बाईं ओर सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर ही है, लेकिन सड़क के बीच में बना डिवाइडर आपको उस पार जाने की अनुमति नहीं देता है। आपको 1 किलोमीटर का सफर करके आगे मिलने वाले कट से ही यात्रा करनी होगी, और उसके बाद उस कट से आप सड़क के बाईं ओर जा पाएंगे। लेकिन इसके बाद आपको अभी फिर से 1 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। अब आपका समय और आपकी यात्रा की दूरी काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन मान लीजिए कि अभी आप जहां पर हैं, वहीं पर डिवाइडर में एक रास्ता खुल जाता है, तो अब क्या होगा? अब आप बिना 1 किलोमीटर की यात्रा करे ही सीधे शॉर्टकट से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ठीक इसी तरह से वर्म होल हमारे लिए समय में यात्रा करने के लिए शॉर्टकट रास्ते खोलते हैं, और हमारी यात्रा को भूतकाल और भविष्यकाल के लिए संभव बनाते हैं।
अब हमें वर्म होल यानी कि रास्ता तो मिल गया है और ये भी समझ में आ गया है कि कैसे वर्म होल हमें काल में आगे ले जाते हैं, कैसे चौथे आयाम में यात्रा से हम अपने भूत काल में और भविष्य काल में पहुंच सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है कि हम इसे देखें कैसे और इसके अंदर कैसे जाएं। तो यहाँ पर वैज्ञानिक कहते हैं कि हम इन दरवाजों से अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि इन दरवाजों का आकार काफी छोटा है। ये दरवाजे इतने छोटे हैं कि इनमें से कोई मच्छर भी नहीं जा सकता। ये दरवाजे 1 सेंटीमीटर के 1 खरबवे अरबवे जितने छोटे हैं। ओहो, आप तो निराश हो गए। नहीं नहीं, आपको अभी निराश नहीं होना है क्योंकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हम इन वर्म होल को पर्याप्त ऊर्जा देकर इनका आकार कई अरब करोड़ गुना ज्यादा बड़ा कर ले और इस होल में से किसी व्यक्ति या यंत्र को इसके अंदर ले जा सके तो समय यात्रा संभव है। तो अगर हम कभी इस तरह की मशीन बनाने में कामयाब हो जाते हैं जो कि एक बड़ा वर्म होल बना सके तो ये हमारे लिए काफी फायदे का सौदा होगा क्योंकि ये हमारे लिए एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाने का रास्ता आसानी से खोल देगा और बिना किसी समय की बर्बादी के और ईंधन के हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक आसानी से पहुंच जाएंगे। यदि हम उस वर्म होल का एक सिरा पृथ्वी पर रखें और दूसरा सिरा भी पृथ्वी पर ही रखें, जब हम इस वर्म होल से यात्रा करेंगे तो हम पृथ्वी पर ही अपने अतीत में पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि हम पृथ्वी के जन्म के समय में पहुंच जाए, हो सकता है कि हम भारत की आजादी के आंदोलन के समय में पहुंच जाए, या फिर हो सकता है कि हम आदि मानव के दौर में पहुंच जाए। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर एक और समस्या खड़ी हो जाती है जो कि विरोधाभास को जन्म देती है। विरोधाभास किसी भी चीज के लिए उसका एकदम उल्टा परिणाम देता है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास वर्म होल बनाने वाली एक मशीन है जो उसे समय में पीछे लेकर जाती है। अब वो व्यक्ति उस मशीन द्वारा बनाए गए वर्म होल के अंदर जाता है और समय में पीछे पहुंच जाता है। वो समय में पीछे जाकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके पिता की अभी शादी नहीं हुई है। उसे वहां उनकी किसी बात पर गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो व्यक्ति अपने ही पिता को मार देता है। अब जबकि उसके पिता की मृत्यु उसके जन्म से पहले ही हो जाती है तो उस व्यक्ति का अब जन्म नहीं होगा और जब भविष्य में उसका जन्म नहीं होगा तो वो भूतकाल में कैसे पहुंचेगा? चलिए हम इसे एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक टाइम ट्रेवल मशीन है जो समय में आपको सिर्फ 1 मिनट ही पीछे ले जा सकती है। अब आप सोच रहे हैं कि 1 मिनट की समय यात्रा भी कोई समय यात्रा होती है क्या? क्या इससे भी किसी विरोधाभास का जन्म हो सकता है? तो समय में यात्रा करना कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता और ना ही ऐसा हो सकता है कि छोटी सी समय यात्रा में किसी तरह का कोई विरोधाभास पैदा ही नहीं होगा। मान लीजिए आपके हाथ में एक बंदूक है और आप समय में 1 मिनट पीछे चले गए हैं। वर्म होल का रास्ता अभी भी खुला हुआ है और आप वहां जाकर उस वर्म होल से अपने भविष्य के रूप को गोली मार देते हैं। अब क्या होगा? तो अगर आपके भविष्य में व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो चुकी है तो फिर आप समय में पीछे नहीं जा सकते, और अगर आप समय में पीछे जा सकते हैं तो आप गोली नहीं मार सकते। इस तरह से विरोधाभास वर्म होल से समय यात्रा करने से रोकते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि हम समय यात्रा तो कर सकते हैं लेकिन परिणाम को नहीं बदल सकते। ऐसी किसी भी वर्म होल का अस्तित्व नहीं हो सकता जो समय के परिणाम को बदल दे, क्योंकि अगर ऐसा हो पाता तो समय की जीवन यात्रा का असंतुलन ही बिगड़ जाता और ये पूरा ब्रह्मांड तहस नहस हो जाता। तो ऐसे वर्म होल का अस्तित्व क्यों नहीं है, सवाल ये है। तो ऐसा फीडबैक के कारण पॉसिबल नहीं है। ये फीडबैक क्या है और क्यों इसके कारण किसी वर्म होल का अस्तित्व नहीं है, इसे समझने के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। आपको एक माइक चाहिए और 2 स्पीकर चाहिए। दोनों स्पीकर्स का मुंह आपके माइक की ओर होना चाहिए। अब इस माइक में गाना गाना शुरू कीजिए। आपको चीं की एक लंबी आवाज सुनाई देगी। इसी आवाज को फीडबैक कहते हैं। ये इस कारण से आ रही है क्योंकि आप जब माइक में बोलते हैं तब उसकी आवाज स्पीकर से आती है और स्पीकर्स का मुंह माइक की ओर होने से स्पीकर्स की आवाज भी माइक में आने लगेगी और लगातार ऐसे ही चलते रहने से बिना रुके ये प्रक्रिया दोहराती रहेगी। अगर आप इसे नहीं रोकेंगे तो इससे आपका पूरा साउंड सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। तो ठीक ऐसा ही वर्म होल में भी होगा। वहां भी फीडबैक जन्म लेगा और उस वर्म होल को ही खत्म कर देगा। वर्म होल में आवाज का फीडबैक तो नहीं होगा लेकिन वहां पर ऊर्जा के फीडबैक जरूर होंगे जो तुरंत ही उस वर्म होल और उसे बनाने वाली मशीन को तबाह कर देंगे। यही रीजन है कि दैनिक जीवन में वर्म होल संभव नहीं है। समय यात्रा करने की हमारी ये कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो गई है क्योंकि जैसे ही हम किसी वर्म होल को बड़ा करके उसके अंदर जाने लायक बना लेंगे तभी ऊर्जा के लगातार प्रवाह से
वहाँ काफी ज्यादा फीडबैक बनेगा जो कि उस वर्म होल को खत्म कर देगा, जिससे ये साबित होता है कि वर्म होल से समय यात्रा संभव नहीं है, ना ही ऐसे किसी दूसरे तरीके से हम समय यात्रा कर सकते हैं। लेकिन हम समय यात्रा के लिए कोई ना कोई तरकीब तो जरूर से ढूंढ ही निकालेंगे। हमें समय यात्रा के लिए अब कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिसमें ना तो कोई विरोधाभास हो और ना ही कोई फीडबैक हो। इसके लिए हमें आइंस्टाइन के 100 साल पुराने सिद्धांत के पास जाना होगा। आज से 100 साल पहले आइंस्टाइन ने बताया था कि किसी वस्तु का द्रव्यमान समय की रफ्तार को धीमा कर देता है। इसे समझने के लिए हमें धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले 31 उपग्रहों का अध्ययन करना होगा जो पृथ्वी पर GPS सिस्टम को बनाते हैं। हर एक उपग्रह में एक घड़ी लगी होती है जिससे उपग्रह दूसरे उपग्रहों को रास्ता दिखाते हैं। हर दिन इन उपग्रहों में लगी बड़ी सेंसिटिव घड़ी का समय धरती के समय से 1 सेकंड के 1 अरब हिस्से जितना पीछे हो जाता है और हर रोज इन घड़ियों को ठीक करना पड़ता है। ऐसा घड़ियों में खराबी के कारण नहीं होता, बल्कि ऐसा हमारी धरती के द्रव्यमान के कारण होता है जो समय की धारा को धीमा कर देती है। तो आपको ये अंतर काफी छोटा लग रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि इसके कारण कोई बुरा असर तो नहीं होता होगा ना। आप ये भी सोच रहे होंगे कि रोज रोज घड़ियों के समय को सही करने की जरूरत ही क्या है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो समय के 1 सेकंड के 1 अरबवे हिस्से जितने अंतर के कारण धरती की 2 जगहों के बीच का अंतर 10 किलोमीटर जितना बढ़ जाएगा, और इसके कारण आप अपनी मंजिल से GPS के सहारे चलने पर 10 किलोमीटर पीछे या फिर आगे चले जाएंगे। सोचिए, अगर ऐसा हो जाए तो दुनिया में कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। घड़ियों में समय के आगे पीछे होने से ही हमें हमारी समय यात्रा का रास्ता मिलेगा। इसके लिए हमें धरती से भी बड़ी कोई चीज चाहिए। इसके लिए हमें हमारी आकाश गंगा के केंद्र में जाना होगा, जहाँ पर एक विशाल आकार का ब्लैक होल है जो हमारे सूरज से 10 लाख गुना ज्यादा मास का एक पिंड है। इसकी त्रिज्या 2,50,00,000 किलोमीटर की है और यहाँ पर समय तेजी से चलता है। ये इसके बहुत ज्यादा मास के कारण होता है। इसका मास इतना ज्यादा है कि इसके आसपास के पिंड इसमें ही समा जाते हैं, यहाँ तक कि इससे लाइट भी पार नहीं जा सकती। यही कारण है कि ये एकदम स्याह काले रंग का पिंड है। मान लीजिए आने वाले वक्त में आप इस ब्लैक होल के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन समय यात्रा करने से पहले आपको सबसे पहले अपने यान को इसके अंदर गिरने से रोकना होगा। इसके लिए आपको अपने यान को इसके किनारों पर ही रखना होगा और इसके साथ ही आपके यान की स्पीड इतनी होनी चाहिए कि वो इसमें गिरे नहीं। अब आपका यान इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगेगा। आपका यान 5 करोड़ किलोमीटर व्यास में चक्कर लगाएगा। अब यदि आपके यान को पृथ्वी से कोई देखेगा तो उन्हें आपका यान 16 मिनट में एक चक्कर पूरा करता हुआ नजर आएगा। लेकिन यान के अंदर बैठे व्यक्ति के लिए यहाँ पर समय बहुत ही धीमा हो जाएगा। यान में बैठे व्यक्ति के लिए समय पृथ्वी के मुकाबले आधा ही रह जाएगा। यानी कि जब पृथ्वी से देखने पर एक चक्कर का समय 16 मिनट दिखाई देगा, तो वहीं यान में बैठे व्यक्ति के लिए सिर्फ 8 ही मिनट का समय गुजरेगा। अब मान लीजिए कि ये यान ब्लैक होल के चारों ओर लगातार 50 सालों तक चक्कर लगाकर फिर पृथ्वी पर आता है, तो यहाँ आने पर समय में 100 साल बीत चुके होंगे। यहाँ के लोगों की आयु आपसे 2 गुनी होगी। आप पृथ्वी पर भविष्य में होंगे। ये तरीका ना तो विरोधाभास को पैदा करता है और ना ही फीडबैक को पैदा करता है, लेकिन ये तरीका काफी खतरनाक और असंभव तरीका है। इसके अलावा ब्लैक होल हमारे से बहुत ही ज्यादा दूरी पर स्थित है और ये हमें समय में ज्यादा आगे भी नहीं ले जा सकता। लेकिन अभी भी हमारे पास एक और तरीका है जो हमें समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल करवा सकता है। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि अगर हम प्रकाश की रफ्तार से चलेंगे तो हम टाइम ट्रेवल कर पाएंगे। इसे हम एक काल्पनिक प्रयोग से समझते हैं। हमने एक ऐसी ट्रेन बनाई है जो प्रकाश की गति से चलती है, जिसकी पटरी पृथ्वी के चारों तरफ बिछी हुई है। इस पटरी पर ट्रेन चल रही है और ट्रेन को चलाने वाला पायलट उसे धीरे धीरे प्रकाश की रफ्तार के करीब लाने के लिए लगातार उसकी स्पीड बढ़ाए जा रहा है। अब ट्रेन की स्पीड काफी ज्यादा हो गई है। वैसे तो कोई भी चीज प्रकाश की गति से नहीं चल सकती, क्योंकि उस चीज को ऐसा करने से भौतिकी के नियम रोकते हैं। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी और रिलेटिविटी कहती है कि कोई भी चीज प्रकाश की गति से नहीं चल सकती, क्योंकि अगर किसी चीज को प्रकाश की गति से चलना है तो उसका द्रव्यमान अनंत होना चाहिए, और ऐसा संभव नहीं है कि किसी भी चीज का द्रव्यमान अनंत हो।
फिर भी ट्रेन का पायलट ट्रेन को प्रकाश की गति के आसपास ले आता है और अब ये ट्रेन पृथ्वी के चारों ओर एक सेकंड में 7 चक्कर लगाने लगती है। चाहे ये ट्रेन प्रकाश की गति से नहीं चल रही हो, फिर भी इसमें बैठे व्यक्ति समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल कर पाएंगे। जब बाहर ट्रेन की स्पीड प्रकाश की गति के आसपास चलती है, तब इसमें बैठे यात्री समय यात्रा कर रहे होते हैं। इसमें बैठे यात्रियों के लिए समय की गति काफी कम हो जाएगी और वहां पर सब कुछ बिल्कुल स्लो मोशन में होने लगेगा। घड़ी की सुइयां काफी धीरे चलने लगेंगी। लेकिन फिर से एक सवाल खड़ा होता है कि अगर ये माना जाए कि उस ट्रेन में बैठा कोई व्यक्ति खड़ा होकर ट्रेन की दिशा में दौड़ने लगे, तो क्या वो व्यक्ति गति की सीमा को पार नहीं कर जाएगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जब व्यक्ति दौड़ता है तो उसकी गति इतनी ज्यादा कभी नहीं हो पाती कि वो गति की सीमा को पार कर जाए। जब व्यक्ति की दौड़ने की गति और ट्रेन की स्पीड दोनों को जोड़ देंगे, तब भी ये प्रकाश की गति के बराबर नहीं होगा। इसका कारण है कि जब ट्रेन की गति बहुत ज्यादा होती है, तब इसके अंदर समय धीमा हो जाता है और उसमें बैठे व्यक्ति की गति कभी भी गति सीमा को पार नहीं कर पाती है। ट्रेन के अंदर समय इसलिए ही धीमा हो जाता है ताकि गति की सीमा को बरकरार रखा जाए और भौतिकी के नियमों को टूटने से रोका जा सके। अब मान लीजिए कि ये ट्रेन लगातार 100 सालों तक पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, तो इसमें बैठे यात्री जब ट्रेन से उतरेंगे तो अपने समय से 100 साल आगे उतरेंगे और इस तरह से उन्हें ये समय यात्रा पूरी करने में सिर्फ 7 दिन का ही समय लगेगा। ये तरीका फिर भी समय मात्रा के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसके लिए हमें अंतरिक्ष में जाना होगा और अपनी स्पीड को प्रकाश की गति के बराबर करना होगा। ऐसा व्यवहारिक रूप में कब होगा इसका तो पता नहीं, लेकिन अभी हमने एक ऐसी मशीन बना ली है जिसमें प्रकाश की गति से चला जा सकता है। सर्न की प्रयोगशाला में पार्टिकल एक्सीलेटर नाम की एक मशीन लगी है जो पृथ्वी के काफी नीचे मौजूद है। इसमें लगी ये सुरंग 26 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग में पाई मैसोन कणों को फायर किया जाता है और इसे प्रकाश की गति के बराबर दौड़ाया जाता है। जब इस मशीन में इन कणों को फायर किया जाता है, तब ये कण एक सेकंड में 11 बार चक्कर लगाने लगते हैं, जो कि प्रकाश की गति के बिल्कुल बराबर है। लेकिन यहाँ भी ये पार्टिकल कभी भी प्रकाश की गति तक नहीं पहुँच पाते हैं और एक बार फिर से विज्ञान के नियम नहीं टूटते हैं। ये कण प्रकाश की गति के 99.99% तक की बराबरी कर लेते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि जिन मैसोन कणों की उम्र सेकंड के 25वें हिस्से के बराबर होती है, जब वे इस स्पीड पर पहुंचते हैं तो इनकी उम्र 30% तक बढ़ जाती है। यानी ये पार्टिकल सच में टाइम ट्रैवलर हैं। इस तरह से एक बार फिर से समय यात्रा अधूरी ही नजर आती है। अगर हमें समय यात्रा करनी है, टाइम ट्रैवल करना है, तो हमें एक बड़ा यान बनाना होगा और यान की स्पीड भी बढ़ानी होगी। अगर स्पीड की बात की जाए तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया अभी तक का सबसे तेज यान अपोलो 10 था, जिसकी गति 4000 किलोमीटर प्रति घंटा थी और समय यात्रा के लिए हमें इस स्पीड से 2000 गुना ज्यादा स्पीड की जरूरत होगी। इस स्पीड को प्राप्त करने के लिए हमें इतना बड़ा एक यान बनाना होगा जिसमें 6 साल तक चल सकने लायक ईंधन भरा जा सके, क्योंकि समय यात्रा के लिए इसे लगातार 6 साल तक बहुत तेज चलना होगा, तब कहीं जाकर ये प्रकाश की गति के पास पहुंच सकेगा। यदि मान लीजिए कि हम ऐसा यान बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये यान सिर्फ 7 दिन में नेपच्यून से दूर चला जाएगा और देखते ही देखते 1 महीने में प्रकाश की गति के आधी स्पीड तक पहुंच जाएगा। 2 साल के बाद ये प्रकाश की गति के बहुत करीब पहुँच जाएगा। इस समय यान पर गुजरा 1 घंटा पृथ्वी के 2 घंटों के बराबर होगा। वहीं जब 4 साल के बाद ये यान प्रकाश की गति के 99% के बराबर पहुंच जाएगा, तब यान पर बीता 1 दिन 1 साल के बराबर होगा और ये यान अब भविष्य में उड़ रहा होगा। लेकिन व्यवहारिक रूप से इतना बड़ा स्पेसक्राफ्ट बना पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके साथ कई सारी समस्याएं होंगी। इसका आकार ही इसके लिए एक बड़ी समस्या बन जाएगा। अभी तक इस यात्रा में हमने देखा कि समय यात्रा के अनेक तरीके मौजूद है, लेकिन उनमें से कोई भी तरीका व्यवहारिक नहीं है। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो कि हमें समय यात्रा करवा सकता हो। वर्म होल थ्योरी के अपने कारण है, ये कभी भी समय यात्रा नहीं करवा सकती, क्योंकि इसके रेडिएशन ही इसे खत्म कर देंगे। इससे विरोधाभास भी पैदा होता है, इससे समस्याएं भी खड़ी होती हैं और खतरा भी बहुत ज्यादा है। वहीं हमने ब्लैक होल के समय यात्रा करने का विचार बनाया था, लेकिन हमारा ये आइडिया भी काफी हद तक फेल ही रहा, क्योंकि ब्लैक होल इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है।
जो ब्रह्मांड को बना भी सकती है और खत्म भी कर सकती है। तो अभी हमारा विज्ञान लगातार विकास कर रहा है। यदि हम मान भी लें कि भविष्य में ये इतना विकसित हो जाएगा कि ब्लैक होल की ग्रेविटी के कारण उसके अंदर नहीं जा सकने वाला स्पेसक्राफ्ट बना भी ले, तो भी हमारी समय यात्रा में सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि भौतिकी का नियम इसे रोकता है। अगर हमें समय यात्रा करने के लिए किसी ब्लैक होल के पास जाना है, तो हमारे सबसे नजदीक का ब्लैक होल हमारे से 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और विज्ञान का कोई भी ऐसा मिशन नहीं है जो कि लगातार 26,000 सालों तक चल सके। इसके अलावा ये दूरी 26,000 सालों में तब तय होगी जब हम प्रकाश की गति से चलेंगे, जो कि संभव नहीं है। इसके अलावा इसमें एक समस्या और भी है, और वो समस्या है कि ये हमें समय में बहुत ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता। इसके अलावा हमने तीसरी संभावना पर भी विचार किया था, लेकिन हम प्रकाश की गति से नहीं चल सकते हैं, और अगर हम इसके आसपास भी जाने की कोशिश करें तो भी हमें काफी मेहनत और समय की जरूरत होगी। इसके अलावा इसमें अभी काफी समय लगेगा, लेकिन निराश ना होइए, समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल करने के लिए हमें थोड़ा इंतजार तो करना ही होगा। तब तक लीजिए समय का आनंद और उठाइए जीवन के मजे, क्योंकि यही है असली समय यात्रा।